भारत के इतिहास की 10 सबसे खूबसूरत रानियां। दोस्तों, वैसे तो संसार के हर देश का अपना इतिहास है और बहुत ही खूबसूरत रानियां उनके इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन बात जब हमारे देश के इतिहास की आती है तो ऐसी कई रानियों के नाम हमें याद आते हैं जो खास तौर से अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए ही जानी गयी। इनमें से कुछ तो अपने समय में पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत स्त्री भी मानी गई हैं। तो चलिए आपका परिचय करवाते हैं भारत की 10 ऐसी खूबसूरत रानियों से। एक, संयुक्ता। रानी संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी जो अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डालकर साहस का परिचय दिया। संयुक्ता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित है। दो, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी बेहद सुंदर थीं और रानी की सुंदरता की चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुँच सके इससे पहले ही वह आग में कूद कर सती हो गयी। तीन, मीराबाई। मीराबाई हिंदू राजकुमारी थीं और भगवान कृष्ण की भक्त थीं। मीराबाई अपनी सुंदरता और अपने लिखे कृष्ण भजन और अपनी मधुर आवाज के लिए जनप्रिय थीं। चार, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर में लड़ी थीं और लड़ाई के दौरान शहीद भी हो गई थीं। इतिहास में उन्हें झांसी की रानी नाम दिया गया है। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थीं। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म मनी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म मणिकर्णिका में झांसी की रानी के किरदार में कंगना रनौत। पाँच, अक्का देवी। अक्का देवी कर्नाटक के चालुक्य वंश की रानी थीं और अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने शासकीय गुणों के कारण प्रसिद्ध थीं। छह, राजकुमारी नीलोफर। इनका जन्म इस्तांबुल तुर्की में हुआ था और शादी हैदराबाद के आखिरी निजाम के दूसरे बेटे से हुई थी। ये अपनी सुंदरता और समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए जानी जाती हैं। सात, कपूरथला की सीता देवी। महारानी सीता देवी काशीपुर के राजा की पुत्री थी। ये राजकुमारी करम के नाम से भी जानी जाती थीं और इनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत सिंह के साथ हुआ था। इन्हें वोग पत्रिका वोग मैगजीन द्वारा दुनिया की 5 सबसे वेल ड्रेस्ड महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। 1937 में फोटोग्राफर एंड्रे डर्स्ट द्वारा लिया कपूरथला की रानी सीता देवी का। आठ, महारानी गायत्री देवी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी जिनका निधन 90 वर्ष की आयु में जुलाई 2009 में हुआ, वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थीं। एक समय वोग पत्रिका ने इन्हें दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। महारानी गायत्री देवी अपने विवाह के दिन। 9, मद्रास की महारानी सीता देवी। सीता देवी का जन्म 1917 में मद्रास में हुआ था और वो अपनी खूबसूरती फैशन और शाही अंदाज के लिए मशहूर थीं। सीता देवी का विवाह बड़ौदा घराने के राजकुमार प्रताप सिंह गायकवाड़ से हुआ था। इनका निधन फरवरी 1989 में पेरिस में हुआ। 10, रानी विजया देवी। रानी विजया देवी का विवाह कोटड़ा संगानी के ठाकुर से हुआ था और ये प्रिंस कांतिराव नरसिम्हा राजा वडियार की बेटी थीं। इन्होंने विदेश जाकर संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी और ये अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। दोस्तों, ऐसी थी भारत की सबसे खूबसूरत रानियां। ऐसी रोचक बातें जानने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिए।